आपको एक चीज रियलिटी बताते हैं, अगर चाइना से हमारा केवल जमीन की लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को अगर हम छोड़ देना तो हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप एक बार चाइना उतरिएगा ना, तो आप यकीन कीजिए केवल जमीन की जो लड़ाई हो गई है हमारी, उससे बॉर्डर डिस्प्यूट है, अदरवाइज में आप चाइना से सीख के आइएगा, यहां आके तब समझ में आएगा। वहां कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको सड़क पर, और हर इंसान वहां पे अपने काम में लगा है, और जो महिलाओं और पुरुषों का बीच समन्वय है वो दुनिया में सबसे बेस्ट चाइना में मिलेगा। सारी फैक्ट्री महिलाएं संभालती हैं, और फैक्ट्री से बनने के बाद जो सामान निकलता है ना वो पुरुष सब सप्लाई में लगा हो सब, क्योंकि पुरुष सब डिप्लोमेटिक है, बात करेगा, यहां जाएगा, कभी सिंगापुर जाएगा, अमेरिका, वियतनाम, कहीं कहीं जाते रहे अपना, जैसे कोई भी सामान एक बार इंडिया लाने के लिए आना पड़ेगा ना, उसकी वाइफ, बीबी, बाल बच्चे, जितनी महिलाएं हैं सब किसमें संभाल रही हैं, फैक्ट्री संभाल रही हैं सब वहां पे। फैक्ट्री में आदमी को जाने की क्या जरूरत है, फैक्ट्री में कस्टमर थोड़ी जाता है, फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो सारा फैक्ट्री कौन संभाल रही है, महिलाएं, लॉजिस्टिक और सप्लाई पुरुष। कितना बेहतर तरीका है ये चीज में, इसलिए आप कभी भी देखिएगा चाइनीज फैक्ट्री आएगा ना तो उसमें महिलाएं काम करते हुए दिखेंगे, कभी वीडियोज वगैरह आएगा ना चाइनीज फैक्ट्री का तो उसमें देखेंगे केवल क्या दिखेंगी सर, महिलाएं, महिलाएं। जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है सब कौन कर रही है, सब महिलाएं कर रही है, सप्लाई और लॉजिस्टिक कौन देख रहा है, पुरुष। हमारे यहां तो महिलाओं को बैठा के घरे में रख ले, हाँ पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे, आधा पुरुषों के दिमाग में ही बैठा है ना कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ा देंगे तो बिगड़ जाएगी, हाँ नहीं पढ़ाओगे तो बकलोल के साथ बिगड़ेगी, बिगड़ना ना बिगड़ना ये पढ़ाई से कहां डिपेंडेंट है, नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ाएंगे तो कौन अच्छी, ये मेंटेलिटी है, पुरुष कहता थोड़ी है लेकिन दिमाग में उसकी यही रहता है। आज भी गांव में देखिए ना, बहुत पढ़ी लिखी लड़की से या नौकरी वाली लड़की से कोई आदमी ब्याह नहीं करता है, ना एकरा ब्याह ना कर, तो कहेगा कि खोपड़िया पे चढ़ के रहेगी, लेकिन अंदर अंदर उसको सोचता है कि बिगड़ल रहेगी, बोलता नहीं है, इशारा में कहेगा, घुमा के कहेगा, ये बात सुनेगी किसी का, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि ना ये बिगड़ल होगी, जब बकलोल है, बोलता नहीं है सभी यहाँ पे, क्या बोलेगा सभी, सब हम गलत बोल रहे हैं जी, क्या बोलेगा हमको, हम वो हैं जो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, अलग बात है तुम्हें मजमून का मतलब नहीं पता शायरी बोलने से पहले देखे दिमाग अजीब हो जाता है, इनको उर्दू उर्दू पता ही नहीं है, बोलने फायदा है, मजमून मतलब होता है उसका सारांश, मजमून मतलब सारांश नहीं होता कि अच्छा मीटिंग का मजमून बताइए, सारांश बताइए, तो हम खत का मजमून भाप लेते हैं, मतलब सारांश भाप लेते लिफाफा देख, लेकिन उर्दू में नहीं पता है, कोई फायदे नहीं होता बोलने चलिए अब आगे का क्लास, होली बात करेंगे हम लोग 1 अप्रैल को।